विवाह पंचमी को उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। यह दिन बहुत ही खास है। इस दिन भगवान राम माता सीता का विवाह हुआ था। आइए जानते हैं माता सीता और भगवान श्री राम की विवाह कथा। नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। कहते हैं कि भगवान श्री राम माता सीता की विवाह की कथा पढ़ने सुनने सुनाने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राजा दशरथ के घर में भगवान श्री राम पैदा हुए थे और माता सीता राजा जनक की पुत्री थी। मान्यता है कि सीता का जन्म धरती माँ से हुआ था। जब राजा जनक हल चला रहे थे उसी समय उन्हें एक नन्ही सी बच्ची मिली थी जिसका नाम उन्होंने सीता रखा था। सीता जी को जनक नंदिनी के नाम से भी पुकारा जाता है। एक बार सीता जी ने जनक महल में रखा भगवान शिव का धनुष उठा लिया था जिसे परशुराम जी के अतिरिक्त कोई नहीं उठा पाता था। राजा जनक ने यह देखकर निर्णय लिया कि जो भी शिव धनुष उठा पाएगा सीता का विवाह उसी से होगा। शुभ समय पर राजा जनक ने माता जानकी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था। सीता के स्वयंवर के लिए घोषणाएं कर दी गई। सीता से विवाह करने के लिए स्वयंवर में कई शक्तिशाली राजाओं ने भी भाग लिया था और स्वयंवर में राजा जनक ने यह शर्त रखी थी कि जो उनके पास मौजूद भगवान शिव के धनुष पर पतंचा चढ़ाएगा वही माँ सीता के लिए सुयोग्य वर होगा। माता सीता का जब स्वयंवर हुआ था तब ऋषि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण के साथ मिथिला पहुँचे थे। वहाँ पर कई और राजकुमार भी आए हुए थे पर कोई भी शिव के धनुष को नहीं उठा सका। राजा जनक हताश हो गए और उन्होंने कहा कि क्या कोई भी मेरी पुत्री के योग्य नहीं है। तब महर्षि विश्वामित्र ने भगवान राम को शिव के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने को कहा। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान राम शिव के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने लगे जिससे धनुष टूट गया। इस प्रकार सीता जी का विवाह राम से हुआ। भगवान राम और माता सीता के विवाह की एक खास बात यह भी थी कि दोनों की कुंडली में पूरे 36 गुण मिले थे। माता सीता के साथ उनकी चार बहनों का भी विवाह हुआ था। उनके नाम उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति हैं। राजा जनक की दो पुत्रियां थी सीता और उर्मिला। मांडवी और श्रुतकीर्ति उनके छोटे भाई कुशध्वज की बेटियां थी। सीता का विवाह राम से, उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से, मांडवी का विवाह भरत से और श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न से हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम और माता का विवाह देखने को स्वयं ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ब्राह्मणों के वेश में आए थे। दूसरी ओर सभी देवी और देवता भी विभिन्न वेश में उपलब्ध थे। चारों भाइयों में श्री राम का विवाह सबसे पहले हुआ। विवाह का मंत्रोच्चारण चल रहा था और उसी बीच कन्या के भाई द्वारा की जाने वाली रस्म की बारी आई। तब वहीं पर धरती माता भी बैठी थी तो उनके पुत्र मंगल देव ने इस रस्म को पूरा किया था। पुराणों में राम और सीता विवाह का बहुत ही अलौकिक वर्णन मिलता है। भगवान राम और माता सीता के विवाह में खाने को लेकर भी पूरे विश्व में चर्चा थी। बताया जाता है कि उनके विवाह में इतने व्यंजन परोसे गए थे कि शायद ही कोई उनका नाम भी जानता हो। बताया जाता है कि दावत में रस को लेकर भी व्यंजन थे और एक एक रस के अनगिनत प्रकार के व्यंजन थे। भारतीय समाज में राम और सीता को आदर्श पति पत्नी का उदाहरण समझा जाता है। राम सीता का जीवन प्रेम, आदर, समर्पण और मूल्यों को प्रदर्शित करता है। विवाह पंचमी के दिन राम और सीता का विवाह हुआ था पर इसके बावजूद भारत के कई स्थानों में इस दिन कोई विवाह नहीं किए जाते हैं। नेपाल और मिथिलांचल में भी इस दिन विवाह नहीं किया जाता है। कुछ लोग भगवान राम और माता सीता के विवाह को एक दुखद
वहां मानते हैं राम और सीता को विवाह के बाद बहुत से कष्टों को उठाना पड़ा। राम को राजा दशरथ ने 14 वर्षों का वनवास दे दिया था और जब माता सीता गर्भवती हुई तो भगवान श्री राम ने उनका त्याग कर दिया। दोनों का जीवन कष्टों से भरा हुआ था, इसीलिए भारत के कई हिस्सों में विवाह पंचमी के दिन विवाह नहीं किया जाता है। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।